सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा फूल सांचे दरबार के जय ओ श्री गणेशाय नमः। ओ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभ निरविघ्न कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। ओम श्री दुर्गाये नमः। ध्यान ओम बालरवि ज्योतिर्बिंद किरीटा तुंग कुजा नयन त्रय युक्त शेर मुखे वरदा कुज पाचा भेते करा प्रभ जय भुवनेशी। ओम ऋषिर्वाज दिव्याहते तक्षमासुरेन्द्र चंद्रासुरावण्य पुरागमसाम कात्यायने कष्टभरेश्वलाभात् विकाजिवक्ताव्यविकाजिताजाः देवे प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्व त्वमेश्वरी देवि चराचरस्य आधारभूता जगता स्वमेक महेश्वरूपेण यतः स्थिताजे अवां स्वरूपस्थितया त्वयेद आप्यायते कृष्णमलस्य वीर्ये त्वं वेष्टवीजाग्रहणान्तवीर्या विश्वस्य बीजा परमासि माया समाहितं देवि समस्तमेतत् त्वं मे प्रसन्ना भुवि मोक्तिहेतुः विद्या समस्ता सर्वदेवि वेदः श्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वयेदत् का ते स्तुते त्वद्भ्यपरा परोक्तिः सर्वभूतैराद्यवि स्वर्गमुक्तिप्रदायिने त्वं सदा सदैका भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवि नारायणि नमोऽस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिने विश्वस्य परतो शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्य त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते श्रीदेविनाथानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वचारिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्य ब्रह्मानिरूपधारिणे कौशाम्बहाकरिके देवि नारायणि नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्रायुधरे महावृषभवाहिने माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते
कुक्कड़ महाशक्ति धरे नगे कौमारी रूप संस्थान नारायणी नमस्तुते शंख चक्र गदाचारंगी परमायुधे प्रसिद्ध वैष्ट वीरूप नारायणी नमस्तुते विनीतो महाचक्र दक्षो दिदवचुन्नरे वराहरूपिणि शिव नारायणि नमस्तुते नृसिंहरूपेण उग्रेण हन्तो दैत्यकृतज्ञमे त्रैलोक्यतानसयुते नारायणि नमस्तुते किरीटनि महावज्र सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्तप्राणरेचन्द्रे नारायणि नमस्तुते शिवज्योतिस्वरूपेण अददैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमस्तुते गष्टाकरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणि नमस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये सत्ये पुष्टिस्वरे जपे महारति महाविद्ये नारायणि नमस्तुते मेदे सरस्वती वरे भूतिभावप्रवितामते येते त्वं प्रसीद च नारायणि नमस्तुते वयवस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते ये दत्ते वदनं सौम्यं लोचनं च भूषितम् पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रम् अचेचास्वरचोदनम् त्रिशूलं पातु नो भीतिकाली नमस्तुते इहस्ति दैत्यतेजांसि ध्वनेन पूर्यराजगत् सघण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो न च्युतानि वयम् असुरादिग्वसापङ्कचर्चितस्तेकरोज्ज्वलः शुभाय गणगो भवतु चण्डिके त्वं नत वयम् रोगानचेतानपहचतुष्टान् रुष्टादुकामान् सकलानविष्टान् त्वामाश्रितानाम् प्रयान्ते एताकृतयर्कजना त्वयाद्य धर्माद्विजां देवि महासुराणां रूपेरनेकैर्बहुलात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिकेता प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु चकात्वदन्यान् ममात्वगर्भेति महान्धकारे विभ्रामयत्ते तदतीव विद्रम् रक्षासि यच्चोगविशासनग यत्रार्योदस्य बलानि यत्र दावानुलोयात्र तथाब्दि मध्ये तत्रासि दात्वं परिपासि विद्रम् विश्वेश्वरित्वं परिपासि विद्रम् विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वम् विश्वेशवर्गा भवति भवन्ति विश्वाक्षयाय त्वयि भक्ति नम्र देवे प्रतिपालयनो नित्यं यथा सर्वदा तदुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रजमानयाज उत्पादपाकजनिता च महापसर्गन् कर्ताणां प्रतिलब्धं देवी विश्वातिहारिणे त्रैलोक्यवासिनामेट्य लोकानां वरदा भव देव्योवाच वरदां सर्गणा वरं जन्मनतेच्छत त्वं गणुत्वं प्रयच्छामि जगतामपकारका देवाच सर्वावाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरे
एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैरभिनाशन देव्यो वागोत्तरान्तरे प्राप्त अष्टाविंशति मे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवानावृत्पश्येते महासुर नन्दगोपगृहे याता यशोदा गर्भसम्भव ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिने पुनरप्रतिरात्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्यानिष्यामि व्यपचित्ता सुदानवान् भक्ष्यन्द्याचानुग्रहचित्ता मातरान् रक्तानन्दा भविष्यन्ति दारिमे कुसमापमा ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके समानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सदसरक्तदन्तकाम् भूयश्च चत्वार्षिक्य मनः विश्व मनं वसे मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि जनिज ततः च तेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जन्मने कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः सदा क्षेमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमद्धमे भरिष्यामि सुराचाके आवृष्टे प्राणधारके साकं भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहमवे तत्रैव जलवदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् गुरुकार्यवीति विख्यातं सर्वे नाम भविष्यते पुनश्च क्षयिष्यामि मुनीनां प्राणकारणात् तदा मा मुनयः सर्वे सौचन्द्राणं प्रमूर्तयः देवादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति जलाणाक्षत्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यते तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्ये सर्पदम् त्रैलोक्यस्य दाताय वदिष्यामि महाजर भ्रामरीति च मां लोका तदा शोचन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा वादा दानभक्ता भविष्यति तदा तदा वदीया करिष्यामि सङ्ख्यया इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान दाम सम प्रभा मृगपते स्कन्धाति दामेचना कन्याभिकरवारकेटविलस हस्ताभिरासे विता हस्ते चक्रगदासि केशविजगास् चापगुण बिभ्राणामललात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ दिव्यवाच एवि समे च मां नित्यं दोषते यां समायितः तस्यां सकलावादां नाशयिष्यामि संशयं मधुकैलवनाशब्दमहिषासुरघातनम् कीर्तयिष्यन्ति ये सर्वबलौ शुम्भनि शुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च एकचेतसः शोषन्ति देव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्
एवं भगवते देवेशा नित्यापि पुनः पुनः स्वम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् कये जन्मो यते विश्वं सेव विश्वं प्रचोयते साजाचिताच विज्ञानं तुष्टा सिद्धिं प्रयच्छते व्याप्तं दये तत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजचर महाकाल्य महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवसृष्टिर्भवत्यया स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले जनाजने भवकाले निनां सेव लक्ष्मीर्वृद्धे प्रदागृहे सेवा भावे तदा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुधा सम्पूजिता पुष्पे धूपगन्धादिविस्तता ददाति वित्तं पुत्रा च मतिं धर्मे गतिं च वा अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिववाच शृणो देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तम येन मन्त्रप्रभावेण चण्डे जापः जप भवेत् न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न चौकं नापि ध्यानं च नान्यासो न च वर्जनम् कुञ्जिका पाठपात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अतिगुह्यतरं देवी देवानामविदुर्लभ गोपनीयं प्रयत्नेन त्वया नैरव पार्वते वारणमोहन वत्सन्मनो चाटनादिक पाठमात्रेण संसिद्ध्य कुञ्जिका सत्तमोत्तम ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्च ॐ ग्लौं ह्रौं क्लीं जां सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्च ज्वलहं सौलं च फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दने नमः केशवहारिणे नमस्ते महिषार्दने नमस्ते जुम्नहन्ते जुम्नहर्षरघातिने जाग्रतवी महादेवी जपं सिद्धिं वरुक्षमे ऐङ्कारी सृष्टिरूपाय ह्रेङ्कारीप्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्तुते कामुण्डा चण्डघाती च ऐकारी वरदायणे वित्रे चावयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणे दां धीं धौं धौरदेह वरुणे वां वीं वं वागदीश्वरे क्रां क्रीं क्रों कालिका देवी शां श्रीं शुं मे शुभं करं हुं हुं हुंकाररूपिणे जं 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 भराजने भ्रा भ्रीं भ्रों भैरवे भद्रे भवाने ते नमो नमः अङ्कं चण्डं तं पं यं सं भीं धुं ऐं भीं हं सं तिजाग्रं तिजाग्रं त्रोणय त्रोणय देवतं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पं पार्वती पूर्णां खां खीं खुं केचरे तदा स्वां श्रीं स्वं सप्तयति दद्यात् मन्त्रसिद्धिं परक्षमे इदं तु कुञ्जिका चौच मन्त्रजागर्ति हेतवे अवक्तेनैव जातव्यं गोपितं रक्ष पार्वते यश्च कुञ्जिकया देवी येनां सप्तयते पठेत् न तस्य जायते सिद्धिः श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेदव्यासी द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं
मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा आप दुर्धारा सुगम नमस्ते शरण्य शिव सानुकंपे नमस्ते जगद्व्यापिके वेश्वरूपे नमस्ते जगदन्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि साहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्तमानस्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि साहि दुर्गे अनादाद्यदिनाश्च त्रिजनात्वरस्य प्रियार्थश्च वेताश्च बद्धश्च यन्तो त्वमेकागते देविस्पारकर्त्रे नमस्ते जगत्तारिणि साहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे चात्रमध्ये जले सङ्कटे राजके प्रभाते त्वमेकागते देविनिस्तारयेते नमस्ते जगत्तारिणि साहि दुर्गे अपारे महादुश्चरित्रान्तघोरे विपत्सागरे भजतां देहभारम् त्वमेकागते देविनिस्तारलोकात् नमस्ते जगत्तारिणि साहि दुर्गे नमश्चण्डिकचण्डचोदलीला समर्खण्डिताखण्डलाशेषजत्त त्वमेकागतिर्विघ्नचन्द्रे नमस्ते जगत्तारिणि साहि दुर्गे त्वमेका सदारातिताचवाने नेकाभिराक्रोधनाक्रोधनिष्ठ किरातिङ्गलाचुषमणाचनारे नमस्ते जगत्तारिणि साहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे पराजे सदा देवसिद्धे प्रदाते सर्वे देवते सदा कालरात्रे स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणि साहि दुर्गे भगवती स्तोत्र जय भगवती देवे नमो भगवे जय Yeah.
Da 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 da
जयकारा श्री राम वाली जी का बोल सचे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्त जन तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन परम स्तोत्रों कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। ओंकारं बिंदुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मुख्यदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम है, हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचिया ज्योता वाली मात जयकारा श्री राम वाली जी दा। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है स्वयं पाठ किया है उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता इसे प्रार्थना है। रख्यांसि यत्रो गविशाश्च नागा यत्रार्यो दस्यु बलानि यत्र दावाणो यत्र तथाब्दि मध्ये तत्र सिदा तम परिपासि विश्वम। देवी जहाँ भयंकर विश्व वाले सर्प जहाँ शत्रु जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो वहाँ तस्मुद्र के बीच में साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी तुम परिपासी विश्वम विश्वात्मिका धारे सीति विश्वम विश्वेश वंद्या भवती भवंती विश्वाशाये त्वयि भक्ति नम्रा। विश्वेश्वरी तुम विश्व का पालन करती हो विश्व रूपा हो इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो, तुम भगवान विश्वनाथ की वंदनीय हो, जो लोग भक्ति को तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। प्रणतानाम प्रसीदत्वम देवी विश्वार्थी हारिणी त्रैलोक के वासी नाम ईड़े लोकानाम वरदा भव। विश्व पीड़ा दूर करने वाली देवी हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो वो त्रिलोक निवासी पूज्य परमेश्वरी सब लोगों को वरदान दो। सचिया ज्योता वाली माँ जय जयकारा श्री राम वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। इस जगत में जभी जभी भी केवल हम ही भक्तों पर नहीं सब देवताओं पर राजा महाराजाओं पर अथवा अवतारों पर भी जब कोई संकट काल आन पड़ा है अथवा उनकी कोई मनोकामना पूर्ण रही है और उस समय जब किसी विशेष देवता ने उनकी सहायता नहीं की है तो अंत में उन्होंने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है तथा माता जी ने उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देख करके उनके सभी प्रकार के कष्टों को सदा के दूर कर दी है। आप जानते हैं कि जब श्री कृष्ण जी को वसुदेव जी टोकों में डाल करके गोकुल में ले गए तब दूसरे दिन गोकुल में नंद के जहाँ बड़ा उत्सव मनाया गया और उधर नारद जी ने
कंस को जो बता दिया कि गोकुल में जितने भी गोप इत्यादि ग्वाले हैं वे सभी देवताओं के अंश हैं, इसलिए वे आपके शत्रु हैं। और फिर उधर जब कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही पूतना धेनुकासुर वत्सासुर इत्यादि का वध कर लिया, महाबली केशी को मार दिया और खेल खेल में गोवर्धन को उठा लिया, उस समय कंस ने समझ लिया कि मेरी मृत्यु भी अभी निश्चित है। तब उसने दोनों भाइयों बलराम तथा कृष्ण का वध करने के लिए अक्रूर जी को गोकुल में भेजा और ये बहाना किया कि धनुष यज्ञ किया जा रहा है, वो धनुष को तोड़ने के लिए वहां पर आए। अक्रूर जी दोनों भाई को रथ में बिठा करके गोकुल से मथुरा ले आए और वहां कृष्ण जी ने यज्ञ में धनुष को तोड़ा, कोवला पीर हाथी का वध किया और खेल खेल में लीला पूर्वक कंस को बालों से पकड़ करके उसका वध कर दिया। तब उन्होंने कारागर से अपने जो माता पिता को मुक्त करवाया, उस समय वसुदेव जी ने उनका उपनयन संस्कार कराया और दोनों भाइयों को पढ़ने के लिए सांदीपनेशी के आश्रम में भेजा, जहां दोनों भाई 12 वर्ष में ही सभी विद्याओं में निष्णात हो गए। उधर जब कंस के जामाता जरासंध को पता चला कि कंस का वध हो गया, तब उसने मथुरा पर आक्रमण किया, परंतु 17 बार जब आक्रमण किया गया जरासंध द्वारा, कृष्ण जी ने समरांगण में उपस्थित होकर उसको पराजित किया। तब यादव समुदाय के लिए भाईदायक जरासंध ने मलेच्छों के राजा कालजवन को वहां आक्रमण करने के लिए भेजा। उसमें कृष्ण जी ने सभी यदुवंशियों को कहा कि इस समय हमें यहां जरासंध का भाई बना हुआ है, कालजवन महाबली जो है वो जहां आक्रमण करने के लिए आ रहा है, इसलिए हमको ऐसे स्थान पर चले जाना चाहिए जहां किसी प्रकार का भय नहीं हो। जिस प्रकार शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर रहते हैं, भगवान विष्णु खीर सागर में शेषनाग के शैया पर रहते हैं, इसलिए हमको भी जो ऐसे स्थान पर जाने जहाँ कोई भय नहीं हो। और अपने परिवार के अनुसार कृष्ण जी बता रहे हैं कि समुद्र के किनारे रेवत पर्व के समीप द्वारकापुरी अच्छा स्थान है, वहाँ हमें चला जाना चाहिए। सभी यदुवंशी बैलगाड़ियों में सामान लाद करके कृष्ण जी के पीछे पीछे द्वारकापुरी में गए। वहाँ कृष्ण जी ने द्वारकापुरी का जीर्णोद्धार कराया और स्वयं आकर के मथुरा में रहने लगे। काल जवन वहां पर आ गया, उसको देख करके कृष्ण जी हंसते हंसते उसके आगे चले और काल जवन उनके पीछे गया। जहां पर कृष्ण जी राजी मुठगुण जी सो रहे थे वहां पर चले गए, उनको देख कर वो छुप गए। और काल जवन सोचा कि कृष्ण जी सो रहे हैं, उसने उन पर पाद का प्रहार किया और उस समय मुठगुण जी ने जाकर क्रोध अग्नि द्वारा उसको भस्म कर दिया। तब कृष्ण मुठगुण जी उनको प्रणाम किया और वो वन में तपस्या के लिए चले गए। उधर रुक्मिणी का स्वयंवर शिशुपाल के साथ हो रहा था, वहां कृष्ण जी ने रुक्मिणी का हरण जहां वो दुर्गा मंदिर के पास कृष्ण जी की प्रतीक्षा कर रही थी हरण किया और राक्षस बेदी के साथ उसके साथ विवाह किया। कृष्ण जी की अन्य पटरानियां जिनमें जाम्बवंती मित्रविंदा नागनीयति सत्यभामा इत्यादि थी, जिनमें रुक्मिणी ने देखने में सुंदर प्रद्युम्न पुत्र को जन्म दिया जिसका प्रसूति गृह से शंभासुर दैत्य ने हरण कर लिया। अपने प्रथम पुत्र के हरण होने पर कृष्ण दुखी हुए और वो दुर्गा माता की शरण में गए और प्रार्थना की कि हे माँ, मैंने धर्म पुत्र के रूप में आपकी जो बद्रीनाथ धाम में आराधना की थी, क्या मेरी उस भक्ति को आपने विस्मृत कर दिया? मेरी किस भूल के कारण ये मेरे पुत्र का हरण हुआ है? उस समय कृष्ण ने कहा कि मेरी जो नगरी है वो चारों ओर दुस्तर खाइयों से सुरक्षित है, मेरा भवन बीच में है, उसमें प्रसूति के बीच में है, मेरे पुत्र का हरण हो गया, ये आपकी माया का खेल है। जब मैं आपकी इस माया को नहीं जान पाया तो दूसरा कौन जान पाएगा, क्योंकि मेरी माता के 5 महीने के गर्भ को आपने संकर्षण द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था जबकि वो अपने पति वसुदेव जी से दूर थी, ये आपकी माया का खेल है। पहले आप पुत्र जन्म का सुख प्रदान करती है, फिर उसको छीन करके दुख देती हैं। इसकी माता कुर्री पक्षी भांति बिलाप कर रही है, वो मेरे पास बैठी हुई है, जिसको देख करके मेरा दुख और बढ़ जाता है। हे माँ, मैं अम्बा यज्ञ करूँगा, व्रत उपवास करूँगा, यदि मेरा पुत्र जीवित हो तो मुझे बता दो। इस प्रकार असाध्य से असाध्य कार्यों को भी सहज भाव में करने में समर्थ कृष्ण को माता ने स्तुति करते देखा तो माता जी उनके सामने प्रकट हो गई और कहा कि कृष्ण, ये तेरे पूर्वजन का श्राप है जिसको शंभरासुर प्रसूति गृह से हरण करके ले गया है। 16 साल का होने पर प्रद्युम्न उसका वध करके तेरे पास आ जाएगा। इस प्रकार वरदान देकर माता जी जो प्रचंड पराक्रम वाली है अंतर्धान हो गई और कृष्ण जी सुखी हो गए। कहने का तात्पर्य केवल यही है कि हम भक्ति नहीं, सब देवता नहीं,
अवतार भी कृष्णस्तु स्वयं भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण भी जब घोर संकट पड़ गए उस समय उन्होंने इन्हीं माता जी की जब आराधना की तो हम भक्तों क्यों नहीं करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, विशेष रूप से इस कलिकाल में जब केवल उन्हीं का प्रताप है। कलो ही चंडी विनायको, शास्त्रकारों ने पूर्व वर्णित कर दिया है कि कलिकाल में दुर्गा माता चंडी तथा गणपति जी का प्रताप होगा। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल यही विराजमान होती ही आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही है। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, ऊपरा के तीन स्वरूप और उन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती हुई परिक्रमा करती जा रही है जिसमें आप स्नान करते हैं, चरणामृत ग्रहण करते हैं। पूर्व काल में भक्तजन इसी प्राकृतिक मार्ग से गुफा के द्वारा जाकर के पूर्ण पिंडी माता जी के दर्शन करके जिस प्रकार जल परिक्रमा कर रहा है ऐसे ही परिक्रमा करके माता जी पूर्ण पिंडी की इसी प्राकृतिक मार्ग से बाहर जा करते थे, परंतु कालांतर में भक्तों की बढ़ती संख्या को देख करके अन्य मार्ग बनाए गए और माता जी ने अपने पूर्ण शरीर को जो शीश था दिव्य सोने चांदी के पत्थरों से जड़ दिया, अर्थात केवल शीश रूप में ही दिव्य पिंडियों के रूप में दर्शन देना स्वीकार किया। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पार गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त प्राकृतिक रूप से विराजमान है और सामने शंकर भगवान जी शिव रूप में विराजमान। इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चारण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं केवल ऐं ऐं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो सकते हैं, अथवा ओम ऐं ओम इस ऐं को ओम द्वारा संपूर्ण करके इसका जाप करने से विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है। ह्रीं के चारण से आपको दूध, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति, नेक कमाई, हर प्रकार की मनोकामना, घर गृहस्थी देश विदेश में समृद्धिमान प्राप्त होता है और क्लीन के चारण से आपको शक्ति प्राप्त होती है, आपके शत्रुओं तथा रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बच्चे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती है। आइए इसी निवार मंत्र का उच्चारण माता जी चरण में बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा, शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं तो अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा, शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता की भेंटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री सुरेश जी से, अपनी मधुर भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश। जयकारा मेरी शेरां वाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। सेवा सुमिरन करके असा उम्र बितानी है, सेवा सुमिरन करके असा उम्र बितानी है। थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभानी है, सुमिरन करके असा उम्र बितानी है। थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभानी है, सेवा सुमिरन करके
ਤਾਂ ਉਮਰ ਬਿਤਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੇਵਾ ਸੁਮਿਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਉਮਰ ਬਿਤਾਉਣੀ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਡੋਲਾਂਗੇ
पास पीछे मर जाना जयकारे बोलांगे, सच पीछे मर जाना जयकारे बोलांगे, सच पीछे मर जाना जयकारे बोलांगे, सच पीछे मर जाना जयकारे बोलांगे। इस जोत विचो जोत निकले जो जोत नूरानी, इस जोत विच जोत निकले जो जोत नूरानी, ओ थोड़ी बनी रवे कृपा अस तोड़ निभानी, थोड़ी बनी रवे कृपा अस तोड़ निभानी, हे मां सुमिरन करके अस उमर बितानी, थोड़ी बनी रवे कृपा अस तोड़ निभानी, सेवा सुमिरन करके अस उमर बितानी, थोड़ी बनी रवे कृपा अस तोड़ निभानी, सेवा सुमिरन करके अस उमर बितानी, थोड़ी बनी रवे कृपा अस तोड़ निभानी, सेवा सुमिरन करके अस उमर बितानी, थोड़ी बनी रवे कृपा अस तोड़ निभानी, ओ थोड़ी बनी रवे कृपा अस तोड़ निभानी, थोड़ी बनी रवे कृपा अस तोड़ निभानी, ओ अस तोड़ निभानी, अस तोड़ निभानी, ओ अस तोड़ निभानी, अस तोड़ निभानी, जयकारा मेरी शेरा वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। एक गायन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा शेरों वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। शेरों वाली माँ मेहरों वाली माँ जोतों वाली माँ, इतनी सी अरदास है मेरी हे मैया मेरी पूरी कर दो, शरण में अपनी लेकर मुझको हाथ मेरे सर पर धर दो, मैं तो मांगू माँ प्यार तेरा बस यही धन मुझको दे दो, बस यही धन मुझको दे दो, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, 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 ओ बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, 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 तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार 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 चाहिए, माँ के जैसा दूजा कोई जग में न मीत है, माँ के जैसा जग जग में न मीत है, माँ के जैसा दूजा कोई जग में न मीत है, माँ के जैसा दूजा कोई जग में न मीत है, एक तेरा प्यार सच्चा
सच्ची तेरी प्रीत है, एक तेरा प्यार सच्चा, सच्ची तेरी प्रीत है, एक तेरा प्यार सच्चा, सच्ची तेरी प्रीत है, एक तेरा प्यार सच्चा, सच्ची तेरी प्रीत है, ओ सच्चा जे प्यार तेरा बार बार चाहिए, सच्चा ये प्यार तेरा बार बार चाहिए, ओ सच्चा जे प्यार तेरा बार बार चाहिए, सच्चा तेरा प्यार तेरा बार बार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, ओ भक्तों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, भक्तों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, बच्चों के लिए तो माँ ही सच्ची सरकार है, बच्चों के लिए तो माँ ही सच्ची सरकार है, बच्चों के लिए तो माँ ही सच्ची सरकार है, बच्चों के लिए तो माँ ही सच्ची सरकार है, दुनिया की दौलतों से महकमा का प्यार है, दुनिया की दौलतों से महकमा का प्यार है, ओ दिल का करार, दिल बेकरार चाहिए, दिल का करार, दिल बेकरार चाहिए, ओ दिल का करार, दिल बेकरार चाहिए, दिल का करार, दिल बेकरार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, ओ बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, ओ बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, नित दिन पल पल सुमिरन तेरा हो, दिन पल पल सुमिरन तेरा हो, नित दिन पल पल सुमिरन तेरा हो, दिन पल पल सुमिरन तेरा, दिल में हमेशा मैया तेरा ही बसेरा हो, 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 सपना हमारा हो साकार चाहिए, सपना हमारा होना साकार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, ओ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, जब जब मैया तेरी चौकट पे आऊं मैं, 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 हक अपना मैं तेरे प्यार में जिताऊं मैं, हक अपना मैं तेरे प्यार में जिताऊं मैं, भक्तों को बस यही अधिकार चाहिए, भक्तों को बस यही अधिकार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार 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 चाहिए, ओ बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार।
मर जाइए तेरा प्यार तेरा प्यार तेरा प्यार चाहिए माँ 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 तेरा प्यार चाहिए 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 जयकारा शेरों वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल। जयकारा शेरों वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। मेरा किसे ना पूछिया हाल मां मैं ला चरना दे नाल मां मेरा किसे ना पूछिया हाल मां मैं ला चरना दे नाल मां मेरा किसे ना पूछिया हाल मां मैं ला चरना दे नाल मां मेरा किसे ना पूछिया हाल मां मैं ला चरना दे नाल मां मैनू ला चरना दे नाल मां मेरा किसे ना पूछिया मां तेरे दरबार की उच्ची निराली शान है ओ मां तेरे दरबार दी शान है माँ तेरे दरबार दी उच्ची निराली शान है माँ तेरे दरबार दी उच्ची निराली शान है तेरा जो भी हो गया तू रखिया उसदा मान है तेरा जो भी रखिया उसका मान भगत आया ना मेरा ख्याल मां मैनू ला चरना दे नाल मां भगत आया ना मेरा ख्याल मां मैनू ला चरना दे नाल मां मेरा किसे ना पूछिया हाल मां मैनू ला चरना दे मेरा किसे ना पूछया हाल मां मैनू ला चरना दे नाल मां मेरा किसे ना पूछया आई रो लिया फुल सी ले गई बार में याद आई रो लिया फुल सी ले गई बार में याद आई रो लिया फुल सी ले गई बार में याद आई रो लिया फुल सी ले बस न चलिया देवे आ गया दरबार में बस न चलिया देवर जो के आ गया दरबार में हुण गई न मैनू दरबार ला चरना दे नाल मां हुण गई न मैनू ताल मां मैनू ला चरना दे हाल मां मेरा किसे ना पूछिया हाल मां मैनू ला चरना दे नाल मां मेरा किसे ना पूछिया हाल मां मैनू ला चरना दे नाल मां
तेरी दातिये हुन ते करो परवान जी कर दियो जीवन दी हर मुश्किल मेरी आसान जी कर दियो जीवन दी हर मुश्किल मेरी आसान जी करो पूरे सब दे सवाल मां मैनू ला चरणा दे सवाल मां मैनू ला चरणा दे नाल मां मेरा किसे ना पुछया हाल मां मैनू ला चरणा दे नाल मां मेरा किसे ना पुछया हाल मां मैनू ला चरणा दे नाल मां मेरा किसे ना पुछया लगया ऐसा रोग जिस दी दवा न कोई वैद मां लगया ऐसा रोग जिस दी दवा न कोई वैद मां लगया ऐसा रोग जिस दी दवा न कोई वैद मां लगया ऐसा रोग जिस दी दवा न कोई वैद मां सकदी जन्म दी कैद मां जे तू चाहे मुक भी सकदी जन्म दी कैद मां हुण नहीं मैनू आ हुण ते मैनू संभाल मां मैनू ला चरणा दे नाल मां हुण ते मैनू संभाल मां मैनू ला चरणा दे हाल मां मेरा किसे ना पुछया हाल मां मैनू ला चरणा दे नाल मां मेरा किसे ना पुछया हाल मां मैनू ला चरणा दे नाल मां मेरा किसे ना पुछया झोली अटके बह गया अमैया दीदार दे लखा पापी तर गए ने मैनू भी मदार दे लखा पापी तर गए ने मैनू भी मदार दे झोली अटके बह गया अमैया दीदार दे झोली अटके बह गया अमैया दीदार दे लखा पापी तर गए ने मैनू भी मदार लखा पापी तर गए ने मैनू भी मदार दे तेरा लाल मां ला चरणा दे लाल मां दर्शी भी तेरा लाल मां ला चरणा दे लाल मां मेरा किसे ना पुछया हाल मां ला चरणा दे लाल मां मेरा किसे ना पुछया हाल मां ला चरणा दे लाल मां मेरा किसे ना पुछया हाल मां ला चरणा दे बोल सच्चे दरबार की जय ओम नागाधीश्वर विस्तरा फणि फणो तुम सोरु रत्नावली हास देह लताम देवा करने वाम नित्ययोधासिताम् माला कुम्भकपाल नीरजकराम् चन्द्रार्धचूडाम् पराम् सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्कनिलयाम् पद्मावतीं चिन्तये सच्या ज्योताम् वाली माता तेरी सदा जारा शेर वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय आज की परम पावन संध्या कालीन आरती बेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद।
ओम पुनस्तादित्या रुद्रावसवा समिंधदान पुनर्ब्रह्मानु वसुनीथ यज्ञे कृतेन तं तन्नम वर्धयस्स सत्या संतु जजमानस कामः मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्रानां उदयस्तव श्रीर्वर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर भी आरती है, सभी बोलेंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामगौरी मैया जय मंगल करे मैया जय आनंद करे तुम को निश दिन जावत मैया जी को निश दिन जावत हरि अम्मा शिव जी हो गए अम्बे गौरी भाग से दूर विराज को मृग मन को चल से दो नैना भूजल से दो पुष्प गल माला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी हे हरि वाहन राज खड़ग खबर धारी ओ मैया खड़ग खबर धारी समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी कुंभन कुंभविवार महिषासुर घाती ओ मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना विष दिन मदमासी ओम जय मैया शोनित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी रानी रोजगार तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी निगम पखानी तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी सांसत योग निगाव नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा
बाल पावत हे मन वाचित बाल पावत देवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंकण काल विराज अगर कपूर बाती हो मैया अगर कपूर बाती माल के तुमे राज श्री माल के तुमे राज कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांचित कर पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी हो मैया जी को निस दिन जावत हरि ब्रह्मा जोतां वाली माता तेरी सदा करा शेर वाली जीदा भोल सच्चे दरबार की जय क्षमा करो अपराध चरण माया क्षमा करो अपराध चरण माया माता वैष्णो दा सखी सज काया माता वैष्णो देवों के सब संकट तारे देवों के सब संकट तारे रक्त बीज मधु कैटभ मारे रक्त बीज मधु कैटभ मारे शुंभन शुंभ असुर संहारे शुंभन शुंभ असुर संहारे किया भक्त कल्याण चरण किया भगत कल्याण शरण बालक पन खेलों में गवाया बालक पन खेलों में गवाया यौवन विषयों में भरमाया यौवन विषयों में भरमाया पूरापन कुछ कामनाया पूरापन कुछ कामनाया बनाओ जीवन सफल बनाओ शरण माया धन यौवन का साथ नहीं है धन यौवन का साथ नहीं है विद्या धन कुछ पास नहीं है विद्या धन कुछ पास नहीं है काम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं नाम बड़ा नहीं पुत्र जगत में होते माता देखे उन्हें न रोके माता देखे उन्हें न रोके वैष्णो कर कल्याण पा वैष्णो कर कल्याण शरण पाया क्षमा करो अपराध शरण क्षमा करो अपराध शरण सतियां जोतां वाली माता तेरी सदा करा शेर वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री प्रहलाद महाराज
माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं, वे इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, जल मिल बोलो जय माता दी, जय हो बेला जय माता दी, संध्या बेला जय माता दी, आरती बेला जय माता दी, आप बोला जय माता दी, कष्ट बेटा दी जय माता दी, मेरा का दी जय माता दी, झोलिया वदी जय माता दी, हरे कला दी जय माता दी, सोलाया दे जय माता दी, गोदा वदी जय माता दी, वीर दे दी जय माता दी, लाल दे दी जय माता दी, माने सुनिया जय माता दी, उच्ची बोलो जय माता दी, हाथ भी बोलो जय माता दी, ताली बजा के जय माता दी, जोता वाली जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, चूड़ियां वाली जय माता दी, हाड़ा वाली जय माता दी, पंद्रह वाली जय माता दी, झंडिया वाली जय माता दी, घंटिया वाली जय माता दी, बारह वाली जय माता दी, बोलना वाली जय माता दी, 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 गंदी रानी जय माता दी, जय श्री देवी जय माता दी, सतिया रोता वाली माता। सभी भक्त यहाँ दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दुशो जहि, यशो देहि दुशो जहि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी। आनंदी आ
चैत्र गणेशु जयकारा शिरवली जीदा सच्चे दरबार की जय। भगवती माता रानी जी आप सबको आशीर्वाद दें, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सबकी झोलियां खुशियों से भरें, आप सबकी हाजिरियां कबूल करें। इस आशीर्वाद के साथ माता रानी जी आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाए। बोलो सच्चे दरबार की जय। आ रही आपको, पहले तो शीशे भी नहीं थे आपकी ठंड दूर की श्राइन बोर्ड ने, ताकि आपकी तकलीफ आपको जरा ना हो।
और जहां पर बैठ के आप आरती का पूरा पूरा आनंद ले। लेकिन आप गर्मी में जयकारा लगाना ही भूल गए। सभी को आरती का आनंद आया? किसी को आया, किसी को नहीं आया? जिनको आरती का आनंद आता है ना, वो ऐसे पूरे जोश में होते हैं। आप तो शर्म करी जा रहे हो कि कुछ दूसरा मेरी आवाज नहीं सुन रहा। अपनी आवाज पहचान बनाइए, पूरी जोर से गज के ऐसी आवाज गूंजनी चाहिए माता रानी जी के दरबार में। बोलो सच्चे दरबार की जय। और लंबा बोलो सच्चे